प्रातः क्लास चल रहा था 11/7/1967 मंगलवार को तीसरे पेज के मध्यान्ह में बात चल रही थी। इस पुरानी दुनिया में देखो अभी अनेक धर्म है, ढेर के ढेर, और फिर ऊपर से माया का राज्य, माया के राजा, माया का राज्य, वो भी अभी अंत, लेकिन अंत में बड़ा भबका है, बहुत पंप एंड शो, भक्ति की पंप है ना। दिन प्रतिदिन देखो बढ़ते जाते हैं, इसे रावण को हर साल जलाते हैं, फिर हर साल बड़ा हो जाता है, आज वो संगम जब होते हैं नदियों के संगम होते ना, कुंभ के मेले, तो आगे तो 50,000, फिर लाख लाख, दो दो लाख, अभी तो देखो 20-20 लाख इकट्ठे हो जाते हैं। तो मनुष्यों की जनसंख्या भी तो बढ़ती जाती है ना, वो भी तो भक्ति में बहुत जाते हैं ना। देखते हैं ये बहुत जाते हैं तो इनमें जरूर कुछ तो फायदा होगा, पुण्य होगा, कुछ होगा, तो ढेर के ढेर जाते रहते। अब तक तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कि नहीं कि इन मेले मलाखों से कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई पावन नहीं हो सकता, इसकी शूटिंग कहां होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही शूटिंग होती है। ऐसे ऐसे ब्राह्मण बड़े बड़े मेले मला खड़े करते रहते हैं, चैतन्य ज्ञान नदियां इकट्ठी होती है, सागर तो होता नहीं। भक्ति मार्ग में दे दिया कुंभ का मेला, कुंभ कहते हैं कलश को, घड़े को, ज्ञान का कलश है, अब रास्ता तो ये कोई नहीं है ना जिससे कोई पावन बन सके। पावन बनने के लिए तो सिर्फ एक ही पतित पावन है, मार्ग में कहते हैं ना पतित पावन आओ, तो जरूर कभी आए होंगे ना, पतितों को पावन बनाया होगा। उनके आने के बगैर और तो कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा कि हम पतित दुनिया में हैं, इस दुनिया से फिर हमें नई दुनिया में जाना है। अभी दुनियाएं तो दो हैं, बच्चे बात समझ जाते हैं, दुनिया भले एक है तो जो नई दुनिया बनती है वो ही फिर पुरानी हो जाती है। तो
तो एक है नई दुनिया, दूसरी है पुरानी दुनिया। तो ये तो सब कोई जानते हैं कि नई दुनिया थी, उसमें नया भारत, नई दिल्ली थी। अभी देखो भक्ति मार्ग में भी उन्होंने नई दिल्ली बना रखी है। सारी दिल्ली लाल पत्थरों की, है लाल पत्थरों की क्यों? कहां शूटिंग होती है? ब्राह्मणों के संगम भी दुनिया में ही शूटिंग होती है। लाल रंग तो क्रोध का सूचक है ना। तो नई दिल्ली नाम दे देते हैं, अब नई दिल्ली तो जानते हो, नई दिल्ली तो नई दुनिया में होगी। नई दुनिया होगी तब नई दिल्ली होगी, वहां तो एवरीथिंग न्यू। तुम्हारा भी ये जो है ना, ये गांव मथुरा और वृंदावन, और ये जहां जहां कहते थे कि थे, तो वो मथुरा वृंदावन वो कोई न्यू तो नहीं है ना। ये तो न्यू होने का है, जिसमें नया राज्य होगा। कौन न्यू होने का है? हैं? किसकी बात हो रही थी? दिल्ली की बात हो रही थी ना। तो दिल्ली पुरानी, दिल्ली नई। भारत पुराना, भारत नया। तो क्या सिर्फ जड़ जमीन की बात है? कोई निमित्त में चैतन्य आत्मा भी तो होगी ना। तो जब बाप आते हैं तो ह्यूज ड्रामा की शूटिंग कराते हैं, तो उस समय पहले तो वो चैतन्य दिल्ली भी पुरानी होगी या नई? पुरानी होती है, फिर नई हो जाती है। नई हो जाती है तो क्या अंतर पड़ता है? पुरानी दिल्ली नई हो, वो नई होती है तो अंतर क्या पड़ता है? उसका नाम बदल जाता है कुछ? महालक्ष्मी नाम देते हैं ना, क्योंकि देवियां भी जो दिखाते हैं उनमें अव्वल नंबर और लास्ट नंबर, अव्वल नंबर महागौरी और लास्ट नंबर महाकाली। तो महाकाली को भी नया होना है या नहीं होना? तो जब वो नई बनती है तो फिर महालक्ष्मी कही जाती है। तो हुआ ये स्वराज, जहां आत्मा का राज होता है। माने ही आत्मा, अब ये पुराना राज हो गया। पुराना माना तमो प्रधान, तो दुनिया कैसी होगी? दुनिया भी पुरानी तो पुराना राज्य।
नई दुनिया में नया राज्य। तो पुरानी दुनिया में ये देखते हो क्या राज्य होते हैं, कि तुम्हारे को सब मालूम है ना बच्चे, कि पुराना किसको कहा जाता है, नया किसको कहा जाता है, वो भी तो तुम समझते हो ना। वो तो नई दुनिया को नहीं जानते हैं ना, शास्त्रों में लिख दिया है तो समझते हैं कि नई दुनिया 40,000 वर्ष के बाद आएगी, कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बता देते हैं। तो देखो कोई कम अज्ञान की नींद में थोड़े ही पड़े हुए हैं, घोर अज्ञान की नींद। तो उसे अज्ञान ही कहा जाता है ना। अभी तुम बच्चे समझ गए कि ये सारा भक्ति मार्ग में कितना बखेरा है। और देखो ये भक्ति का फैलाव कितना बड़ा है, और इसको ही कहा जाता है ज्ञान। और ज्ञान तो सागर है ना, और वो सागर एक है ना। ये भक्ति मार्ग में तो सागर भी देखो कितने बांट दिए, सात सात सागर बनाए दिए। बाप को देखते हो, बाप को ही कुछ भक्ति कराते हैं क्या? जो भक्ति के लिए कहते हैं कुछ, कहते हैं क्या राम राम कहो? कहां कहां जाते हैं ना कुछ कुछ। तो देखो यहां बाप तो भक्ति मार्ग का कुछ भी नहीं, जरा भी नहीं। कि तुम बच्चों को समझाते हैं कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, इसलिए ये समझाने की जरूरत चाहिए, क्योंकि हर एक की बुद्धि में हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो होनी चाहिए। सारी सृष्टि की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो बच्चों की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्योंकि तुम ऐसी एजुकेशन पा रहे हो। सारी दुनिया की आदि मध्यंत की कहानी आ जाती, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज है। अभी तो स्पिरिचुअल नॉलेज वाले भी बहुत गपोड़े मारते रहते हैं। 11767 की वाणी का चौथा पेज, वो गपोड़े मारने वाले बोलते रहते हैं हम स्पिरिचुअल नॉलेज देने आते हैं। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज का अर्थ तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। स्पिरिट माने ही आत्मा, पावर। स्पिरिचुअल नॉलेज माने फादर, जो स्पिरिचुअल फादर है, ज्ञान का सागर है, उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। स्पिरिचुअल फादर माना
सिर्फ स्प्रिट है, आत्मा है, उनको जिस्म नहीं है। और जिस्म नहीं है, रूह है, तो किससे बात करेंगे? रूहों से बात करेंगे ना। और जिनको जिस्म है तो तुम जानते हो कि जिस्मों से बात करते हैं। तो ये रूहानी बाप रूहानी बच्चों को एक ही दफा बात करने के लिए आते हैं, कि एक ही बार बात होती है। रूहानी रूह पढ़ाते हैं, वो भी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी में है ही नहीं, रूह की बात है। वहां भी देखो कृष्ण का नाम डाल दिया, तो फिर बेचारे मनुष्य क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे। तुम बच्चे तो जानते हो कि हमको तो रूहानी बाबा पढ़ाते हैं, वो जो पढ़ाते हैं उसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होती है। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कौन देते हैं वो भी उनको पता नहीं। अब शास्त्रों में तो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं है। ये शास्त्र हैं, ये कोई बाप ने बैठ करके थोड़ी लिखवाए है। फिर किसने लिखवाए है? बाप ने नहीं लिखवाए तो किसने लिखवाए? व्यास ने लिखवाए। अरे व्यास भी तो दाढ़ी मूंछ वाला मनुष्य था ना, उसकी बुद्धि में इतना बड़ा भंडार कहां से आ गया? तो अभी तुम बच्चे जानते हो ये नोट्स जो तुम लेते हो लिखवा लिख करके, वो भी धारण करने के लिए, क्योंकि बाप को भी धारण किया हुआ है। कौन सी बाप की बात बताई? मनुष्य सृष्टि का बाप तुमको भी धारण करना है, तो और सब दुनिया भी बातें छोड़ देंगे। यही चीज याद रहनी चाहिए। तो दुनिया में तो ये बता सकते हैं, ये रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, और रूहानी बाप ही वो नॉलेजफुल है। ये मनुष्य सृष्टि का जो जिस्मानी बाप है उसको नॉलेजफुल कहेंगे? अगर वो नॉलेजफुल होता तो फिर उसमें नॉलेजफुल बाप को आने की उसमें क्या दरकार? ये बात तो समझा सकते हो ना। तो रूहानी बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है। इसी सृष्टि का बाप है आदम, एडम, वो कोई रूहानी फादर थोड़े ही क्या है? जो मनुष्य है वो जिस्मानी है ना, तो जिस्मानी फादर हुआ। तो उन मनुष्यों के पास जो भी ऋषि मुनि हुए उनके पास कौन सी नॉलेज है? जो मनुष्य के पास नहीं है।
जिस नॉलेज को प्राचीन के ऋषि मुनि नेति नेति कहते आए हैं कि हम रचयिता अर्थात स्पिरिचुअल फादर को आदि अंत को नहीं जानते। फिर याद करते हैं ना बच्चे, कहते हैं ओ गॉड फादर, अभी फादर को स्पिरिचुअल फादर कहेंगे ना, तो रूहानी बाबा कहेंगे, तो रूहानी बाबा उसको ही फिर कहेंगे रूहानी, रूह सुप्रीम रूह आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तो बाप आएगा तो देखेगा, किसको देखेगा, रूह को ही देखेगा ना, उनको इस बात का ज्ञान है ना। क्या है ये रूह के रूप में कौन सी बैटरी है, इसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, उनको ज्ञान है ना। भले शरीर भी है पर वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आत्मा जो इनमें बिंदी है वो आत्मा ही सब पढ़ती रहती है। ये देह थोड़ा ही पढ़ती है, पढ़ाई के संस्कार होते हैं ना, तो वो देह में होते हैं या आत्मा में होते हैं, आत्मा में होते हैं। कोई में लड़ाई के संस्कार होते हैं, मिलिट्री में भर्ती होते हैं तो लड़ते हैं, तो वो लड़ाई के संस्कार जब शरीर छोड़ेंगे शरीर में चले जाएंगे या आत्मा लेके जाएगी, आत्मा में चले जाएंगे ना, तो आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही धारण करती है। तुमको भी अभी तुम बच्चों को सिर्फ ये ज्ञान है तो, लेकिन फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं, कि हम आत्मा और हम आत्मा ही पढ़ रहे हैं, और ये भी भूल जाते हो हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, रूहानी बाबा, क्या बुद्धि में आ जाता है, समझते हमको कोई देहदारी पढ़ा रहा है। हमारी आत्मा में ये तो पक्का कर दिया ना कि आत्मा में सारे पढ़ाई के संस्कार जा रहे हैं, ये पढ़ाई की बात है, भूलना नहीं चाहिए। हम फिर ये जो नॉलेज है हमको मिलती है, जैसे बाबा इस शरीर में नॉलेज देते हैं तैसे हम बाबा आत्माओं को मिलती है, तो फिर हमारा क्या फर्ज बनता है, हम भी दूसरी आत्माओं को जाकर सुनावे जो आत्माएं शरीर में हैं, उन आत्माओं को लाके ना लीजिए देव पना, खुद भी नॉलेज लेने वाली आत्मा याद रहे और दूसरों को देने जाए तो भी आत्मिक स्थिति में ज्ञान सुना है, देव आना आया तो असर ही नहीं होगा। तो ये याद रखना बड़ा मुश्किल है, ये याद तब पड़े जबकि बाप को याद करके अपन को आत्मा समझेंगे,
तभी तो बाप याद करेंगे। तो वो याद में तो बहुत कच्चे वो घड़ी घड़ी याद नहीं पड़ती है कौन आत्मा क्योंकि दुनियादारी के धंधे व्यवहार में रहते हो ना तो वहां घड़ी घड़ी संग का रंग लगता है और देवान आ जाता है। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस चलती रहती है क्या कि आत्मिक स्थिति में बैठ करके किसी को समझाओ बाकी तो धंधे धोरी वालों को तो कोई समझाने की बात ही नहीं रहती है। तुम बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी होती है कि अपन को आत्मा समझो और बाप की याद में समझा और ये प्रैक्टिस धंधे धोरी में तुम्हारी चलनी जरा मुश्किल है कि हम आत्मा बैठ करके इनको ज्ञान रत्नों का सौदा देती है हम आत्मा बैठ करके इनसे ये व्यापार करती है ये बात बुद्धि में सदा रहना बहुत मुश्किल नहीं। तुमको आत्मा समझ कर करके और बाप को याद करना है उसी में ही फायदा है और वो तुम अभी कर नहीं सकेंगे किसको बैठ करके ज्ञान देंगे तो भी वो देह है ना तो ये देह अभिमान हो करके बैठेंगे परंतु आत्मा को जो ज्ञान है कि हम यात्रा करते हैं क्योंकि कर्म तो करना है ना बच्चे बाबा कहते हैं कर्म जरूर करना है घर से व्यवहार में रहना है बाल बच्चों को भी संभालना है तो फिर ये बात बहुत मुश्किल हो जाती है रूह समझने की बच्चों को भी संभालना धंधा धूरी करना इसमें घड़ी घड़ी ये याद आवे कि हम आत्मा हैं और आत्मा ही आत्मा से सौदा कर रही है ये आत्मा आत्मा को देखे आत्मा आत्मा को बैठ सौदा करे ये बहुत मुश्किल है इसलिए बाबा कहते हैं कर्म करना है कर्म करने के लिए छुट्टी है तुम बच्चों को परंतु कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे भी कोई कहते हैं बाबा हमें एक रुपए की चीज का दो रुपया ले लेते हैं कभी कभी हम तीन भी ले लेते हैं बोलते हैं नहीं ये पाप नहीं है क्योंकि ये इस समय में खर्चा वगैरह भी तो बहुत है और दुनिया भी धंधा धोरी में रह करके ये पाप तो करना ही पड़ेगा क्या है रुपए की चीज तीन तीन दो दो रुपए के लिए बताई दी पाप बिगर तो कोई भी धंधे धोरे दुनिया के चलते ही नहीं इसलिए बाबा क्या फिक्र बताते हैं सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे 1167 की वाणी का पांचवा पेज तो ये जो धंधे धोरी में कुछ झूठ बोलते हैं ये तो छोटा पाप है ये कोई बड़ा पाप थोड़े ही है। फिर बड़ा पाप कौन सा है, है? बड़ा पाप है ये काम विकार का पाप
जिसके लिए ही इतनी आनाकानी और इतना हंगामा, कामेश क्रोधेश, काम की आग लगती है पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं, मारा मारी करते हैं, झगड़ा चलता है। ये जो छोटे छोटे हैं, बहुत बच्चे कहते हैं छोटा छोटा पाप करने वाले, हमको झूठ बोलना पड़ता है, हमको वहां जाके खाना पड़ता है। अरे बच्ची, ये तो कुछ भी पाप नहीं है, बड़ा पाप तो वो है जो तुम जानते हो कि बड़ा बड़ा तंग करते हैं ये काम विकार। ये समझा ना, वो एकदम किसको देखो तो मुफ्त में भी रात को याद आ जाती है, कोई को बस एक बार देख लिया तो बस याद आ गई। चलो याद सताती रहती है ना। बाबा तुमको, बाबा के पास तो चिट्ठियां आती है ना, चिट्ठी पढ़ करके तुमको बंदर लगेगा, आते हैं समझने के लिए। ऐसे ऐसे यंगस्टर्स भी आते, तो बस वो जो समझाने वाली के ऊपर जो टीचर है ना, बस उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। फिर उनको घर में जाके चिट्ठी लिखते हैं। हम एक बात बता रहे हैं कि वो चिट्ठी लिखते हैं, उनको कहते हैं डायरेक्ट, तुम्हारे से मेरी दिल लग गई है, क्या मेरे से शादी करेगी? एकदम डायरेक्ट बोलने लग पड़ते। अच्छा, वो टीचर गुस्सा होती है, बोलती है आ नहीं आओ, तुम ऐसे ऐसे करते हो। फिर उनके बाप के पास जाते हैं, हैं? किसके कौन जाते जिज्ञासु, वो यंगस्टर्स टीचर के बाप के पास जाते हैं। मुझे ये तुम्हारी जो बच्ची है ना, इसमें दिल लग गई। अभी देखो जिज्ञासु आते हैं ज्ञान लेने के लिए, देखो मैं इनसे सिर्फ नाम वगैरह कुछ नहीं बताता हूं, उनके बाप के पास है कि हमारी इनसे दिल लगी है, मेरी रात और रात की नींद फिट गई है, ये हो गया है वो हो गया है और अब मुझे इनसे शादी करनी है। अब मैं भी तो ज्ञान में चलता हूं, तो मुझे ये गंधर्व विवाह करना है। अच्छा, तो वो उनको गुस्सा लगता है, ये क्या करता है, लगाता है उनको एक थप्पड़ एकदम, परंतु वो थप्पड़ भी उनको काम नहीं करता, तो फिर वो सेंटर छोड़ करके दूसरे सेंटर पर जाते हैं। बोलता है यहां आएंगे तो हम पता नहीं क्या कर बैठेंगे, एकदम गिराए देंगे, गैलरी से फेंक देंगे, दूसरे सेंटर से भी धक्का मिल जाता है, फिर जाते हैं दूसरे सेंटर पर। ऐसे वो कामेश, ये चरिए डैम फूल, ऐसे में वो दूसरे सेंटर पर, फिर ऐसों को तो वहां भी नहीं आने देते।
बस उनकी लगन वहां लगी हुई है, यानी चार सेंटरों पर जाते हैं, वहां जाकर के कहते हैं, आते हैं जिज्ञासु, नौकरी करते हैं, और यहां से भी दो तीन दफा ऊपर गया है। फिर देखो ये काम कितना शैतानी के करते हैं। अभी तो ये एकदम टू मच में ले जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। बाकी ऐसे ऐसे बहुत होते हैं बच्चे, चिट्ठियां लिखना करना, यहां आकर वो भी करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमको इनसे शादी करनी है, फिर उनको चिट्ठी लिखते हैं। पहले तो नाम नहीं लिखते हैं, ये तो देखो एक दो नाम नहीं लिखते हैं कई कई, दूसरा डायरेक्ट आते हैं, इनसे बहुत दिल लगी हुई है। जो अच्छी बच्ची फर्स्ट क्लास एकदम बड़े घर की देखी, ऐसी ऐसी मनुष्य की बुद्धि होती है। अच्छा वो तो बेचारा ठंडा है, कुछ शैतान नहीं है, नहीं तो झगड़ा कर देवे, रणिया मार देवे, पत्थर मारने लग जावे, एक ढिंढोरा पिटवाने लग जावे, ब्रह्मा कुमारियां ऐसी ऐसी हैं। अब ऐसे बोलते हैं, ये सब झूठ तो है ना बच्चे, बाबा ने तो समझा दिया ना कि ऐसे ऐसे भी होता है। प्रतिज्ञा करनी है बाप से, बाबा मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि अभी से हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे जब इतना ज्ञान मिलता है, विश्व का मालिक बनने का वर्षा मिलता है, तो ये त्याग करना क्या बड़ी बात है। विकार में एक जन्म 63 जन्म तो गए ना, अभी एक जन्म के लिए, क्योंकि बताते हैं ना बच्चे, 63 जन्म तो तुम गोती खाते आए विषय वैतरणी नदी में, अभी हम तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूं, ठीक है ना बच्चों। और जानते हो कि बरोबर अभी क्षीर का कोई सागर नहीं होता है क्या? खीर खीर को कहते हैं ना, चीनी चावल और दूध तीनों एक हो जाते हैं ना, तो उसी कहते हैं खीर। तो क्षीर सागर नाम दे दिया, वहां तो बिल्कुल झगड़ा नहीं होता, ठीक है ना बच्ची। और जानते हो कि बरोबर अभी क्षीर का कोई सागर होता नहीं है, परंतु भेंट में ऐसे बताते हैं कि तुमको ऐसे शिवालय में ले जाता हूं, हैं? कैसे शिवालय में, जहां सबकी बुद्धि एक में लगी हुई है। ये दुनिया तो सारी वैश्याल है, घर घर में झगड़ा है, झगड़ों का कारण क्या हुआ, शिवालय में तो जानते हो कि उसको स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वहां सर्व स्वस्थिति में रहते हैं, तो उसमें फिर अथाह सुख है बिल्कुल, देह भान का नाम निशान नहीं,
इसलिए कहते हैं इस एक जन्म के लिए इस काम विकार को छोड़ो, अंतिम जन्म के लिए कहते हैं। कहते हैं तुमको हे आत्मा, अभी तो सुप्रीम बाप आया हुआ है, उसकी भी नहीं मानेंगे क्या? और तुम्हारा वेद का बाप है, इनको तुम प्रभु ईश्वर कहते हो ना, कितना जन्म याद करते आए कि भूल गए? तो वो ईश्वर, वो प्रभु, वो तुम्हारा बेहद का बाप कहते हैं। क्या कहते हैं मीठे बच्चे? अभी विकार में नहीं जाओ। और फिर जो जन्म जन्म का तुम्हारे ऊपर पाप है वो फिर मेरे को याद करने से खलास हो जाएगा। जैसे 5000 वर्ष पहले माफी, पहले भी तो खलास हुआ था, कल पहले भी तुमको ये शिक्षा दी थी ना बच्चों। तो मेरे को याद करने से तुम्हारे विकर्म सब विनाश हो जाएंगे, मैं गारंटी करता हूं। मेरे को याद करने ऐसे क्यों बोला? तो मेरे को याद करने से विनाश हो जाए और दूसरे को याद कर लिया तो क्या मुसीबत आ गई? क्या अंतर पड़ेगा है? 11767 की वाणी का छठा पेज, गारंटी है इनके लिए, गारंटी है। और कोई गुरु गोसाई कहे तो गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो गारंटी देने वाला है वो कहते हैं कि मैं तो एवर प्योर हूं, मेरे में इम्प्योरिटी का नाम निशान भी नहीं है, कोई जन्म का नहीं। तो जब तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठती है तो तुम भी गारंटी करते हो कि हम याद करते रहेंगे। और वो समय भी देते हैं कि इतना याद करते करते रहो जो पिछाड़ी में तुमको ये शरीर का भान भी ना आवे। ये देह की इंद्रियां, देह के विषय है, कौन कौन से विषय हैं इंद्रियों के? ज्ञान इंद्रियां है ना, कि विषय वो भी नहीं याद आए है, भान ही न रहे। ऐसे ही बैठ करके जैसे सन्यासी भी कई कई होते हैं ना, जो ब्रह्मज्ञानी, वो ऐसे भी कई कई होते हैं। ऐसे थोड़े ही होता है कि नहीं होते हैं। कैसे? कि समाधि में बैठते हैं तो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। जैसे इस विश्व का ये मालिक बनने की भी देखो, जैसे 8 या 108 के लिए कहते हैं ना, नहीं तो दुनिया में तो कितने मनुष्य। तो ये जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं ना बच्ची, वो भी भले उनमें कोई तीखे अच्छे सच्चार भी होते हैं और वो भी ऐसे शरीर छोड़ देते हैं जैसे तुमको समझाया जाता है कि देह भी याद ना आए, देह की इंद्रियां भी याद ना आए, इंद्रियों से जो सुख लिया है वो भी याद ना आए, फिर किंचक मात्र भी याद ना आए।
अब तुम तो जाते हो पवित्र होकर करके, और तुमको जाना ही है साथ में, क्योंकि बाप ले जाने के लिए आया है ना, और बाप ही सिखलाते हैं। तो उन सन्यासियों को तो बाप नहीं सिखलाते हैं ना, क्या है वो तो समाधि में बैठ करके निल में चले जाते हैं। निल माने किसी की याद नहीं, कुछ नहीं, अपनी आत्मा भी याद नहीं रहती, किसी की याद नहीं रहती, निल में चले गए तो कुछ पाप भी नाश होंगे क्या? तुम मेरी याद में शरीर छोड़ते हो तो अंत मते सोगते हो जाती है। मैं तो परम पवित्र हूं, एवर प्योर हूं, तो संस्कार मेरे ले जाते हो तुम। तो बाप आया है अभी ये सब सिखलाते रहते हैं। अब उन सन्यासियों को तो ये सब बातें नहीं सिखलाते ना कोई भी, वो तो अपने मत पर अपना ही काम करते हैं। दुनिया में सबकी अपनी अपनी अलग अलग मत है, एक की मत न मिले दूसरे से, बाकी ऐसे जरूर है। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर छोड़ते हैं तो कोई जीवन मुक्ति या मुक्ति मिल जाती है, नहीं, क्यों नहीं मिलती? उन्हें भी तो इंद्रियां और देह याद नहीं रहती ना। जीवन में जो इंद्रियों से सुख भोगे हैं वो याद तो नहीं आते, शरीर छोड़ देते, तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति क्यों नहीं? क्योंकि उनकी बुद्धि में शरीर छोड़ते समय संग किसका है, बुद्धि में किसकी याद है? निल, तो फायदा कहां होगा? तो वो भी ऐसे ही ऐसे कोई काशी करवट खाते हैं फिर भी अगले जन्म में जन्म तो लेते हैं ना, तो वो भी यहीं फिर रहते हैं, परंतु मनुष्य उनके फॉलोअर्स समझ जाते हैं। वो समझते हैं फॉलोअर्स कि सदगति में गया, निर्वाण धाम में चला गया, काशी करवट खा ली तो गया, या समाधि में बैठ गया, समाधि में बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया, श्वास प्रश्वास लेने की प्रक्रिया को कंट्रोल कर लेते हैं और निल में चले जाते हैं, तो उनके फॉलोअर्स समझते हैं पार निर्वाण गए, फलाना हुआ। अब ऐसे कोई होता नहीं है, तो भले ऐसे भी देखते हैं उनके फॉलोअर्स तो समझते हैं सदगति को गया, निर्वाण धाम में गया, बाकी बाप आकर समझाते हैं तुम बच्चों को, क्या समझाते हैं कि बच्ची भक्ति मार्ग में वो साधु सन्यासी जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं समाधि लगाकर, वो एक भी वापस नहीं जाते हैं, वापस जा ही नहीं सकते, ये तो कायदा ही नहीं है एकदम, क्या? अगर ऐसे वापस जाने लगे तो उनके फॉलोअर्स को भी तो सिखाएंगे ना, वो भी वापस जाने लगे तो दुनिया की आबादी तो कब होगी ना, कोई भी नहीं जाते, यहीं जन्म लेते रहते हैं, यहां जाकर के कहां ना कहां जाकर के रहेंगे, झाड़ है सीधा और एक दो के पिछाड़ी आना ही होता है। तो ये झाड़ है ना इस दुनिया में, ये तो जनसंख्या बढ़ती रहती है ना, तो ये भी बच्चों को समझाया जाता है अच्छी तरह से
कि वहां जो बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं साधु सन्यासी, वो कोई मुक्ति जीवन मुक्ति को नहीं पाते हैं। देखो है यहां बैठे हुए हो तुम संगम युग पर बैठे हुए, और वो कलयुग में देखो बैठे हुए। ये क्या शास्त्र में ऐसे लिखा जाता है? बाप सिर्फ कहते हैं ये है देवी देवता संप्रदाय और ये है आसुरी संप्रदाय। वहां ही बैठे कहते हैं तो जो उनके पास है उनको कह दिया तुम बच्चे हो दैवी संप्रदाय, वो है आसुरी संप्रदाय। क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मनुष्य को देवता बनाना ये भगवान का काम है, परंतु उनको कौन सिखाता है? वो तो है ही सब आसुरी संप्रदाय। हाँ, उनमें भी जो जो तुम्हारी सैंपलिंग वाले होंगे, तुम्हारे धर्म वाले होंगे, जो पहले स्वर्ग में थे तुम्हारे साथ जन्म लिया था, फिर द्वापर युग से कन्वर्ट हो गए दूसरे दूसरे धर्मों में, वो सभी जरूर आ जाएंगे। क्योंकि पहले पहले जितने भी धर्म हैं उसमें ये जो भारत में है वो तो देवी देवता धर्म का सिजरा है ना, यहां और वहां भी तो सिजरा है ना देवी देवताओं का अलग। यहां आकर के पीछे ये अदल बदल हो गई है, तो फिर उनकी वो जगह कौन भरेंगे? किचन में तो अभी चले गए, फिर वहां जगह कौन भरेंगे? कहां? नई दुनिया स्वर्ग में कौन जगह भरेंगे? तो वो जरूर आ जाएंगे, अपनी जगह जा करके भरेंगे, क्योंकि बनी बनाई चीज है ये, ड्रामा बना बनाया है ना। ओम शांति।